यार चिकन शोरमा तो आपने पूरे इंडिया में हर जगह पे खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आ गया हूँ जिन्होंने लॉन्च किया है जी पनीर शोरमा। ये सही बात है, सिर्फ पनीर शोरमा मिलता है अपने यहाँ? हाँ सर, ओनली। तो चिकन वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं नहीं सर। तो आप खुद प्योर वेजिटेरियन है कि कुछ कैसा? नहीं सर, एक्चुअली सूरत के अंदर ज़्यादातर वेज खाने वाली पब्लिक है। अच्छा, वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है अपने। और वेजिटेरियन के लिए इतना ज़्यादा कोई रोल के अंदर ऑप्शन नहीं था। अच्छा, वही चीज़ें हो जाती थी। हाँ, पनीर पनीर में ही मैक्सिमम। हाँ। अच्छा, तो इसलिए अपन ने पनीर शॉर्मा लॉन्च किया। हाँ। अच्छा, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा है इसका? रिस्पॉन्स तो सर बहुत अच्छा है। और मैंने सुना है आपने कोई चैलेंज भी दिया है? हाँ सर, अगर मेरे यहाँ पे कोई इसको नॉनवेज साबित कर देता है, अच्छा, तो ₹1,00,000 मेरी तरफ से इनाम दूंगा सर। तो मतलब ये शॉर्मा लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ जा रहा है कि लोगों को डायरेक्टली ऐसा वो नॉनवेज वाला फील आ रहा है। हाँ, बट ये नॉनवेज नहीं है, 100% प्योर वेज है। ये इसलिए आपने दावे के साथ बोल दिया है कि अगर किसी ने प्रूव कर दिया कि इसमें नॉनवेज है तो उसको ₹1,00,000 कैश आप दोगे। बढ़िया। तो ये कैसे तैयार होता है दिखाइए। तो लिमिटेड क्वांटिटी में जाते हैं? हाँ सर, अपना रहता तो है ज्यादा क्वांटिटी, बट सलिए में अपने कम लगाते हैं। अच्छा अच्छा। और ये ऊपर से आएगा ऑयल। अच्छा, तो कितनी देर लगती है इसको तैयार होने में? सर 10 मिनट जैसा टाइम लगेगा। बस 10 मिनट? हाँ। काफ़ी जल्दी हो जाता है, मतलब चिकन से काफ़ी फास्ट प्रोसेस। हाँ, फास्ट प्रोसेस है। तो कैसा रहा इसका सूरत में रिस्पॉन्स, लोगों ने प्यार किया? सूरत में सर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अरे वाह। और सूरत में भी काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं खाने के। हम भी तो नागपुर से आते हैं। अच्छा, बढ़िया। तो इसको हल्का हल्का सा ऑयल करके इसको थोड़ा सेकते हैं। सेकते हैं। हाँ, पीटा ब्रेड अपन बनाते हैं कि मंगाते हैं? ऑर्डर से बनवाते हैं। नॉर्मल नहीं, क्योंकि काफ़ी जगह पे मैंने देखा है लोग रुमाली रोटी भी यूज़ कर लेते हैं। हाँ, कुछ भी मतलब आड़ी जड़ी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। हाँ, और अपन प्रॉपर पीटा ब्रेड यूज़ करते हैं। तो क्या रेंज से चालू होते हैं अपने? अपने यहाँ सर 60 से स्टार्टिंग है। 60, 70, 80। तो आज हमारे लिए कौन सा बना रहे हो आप? आपको जैसा चाहिए वैसा, हर टाइप में फ्लेवर अवेलेबल है। अपने पसंद का एक बना दो। आपको स्पाइसी चाहिए तो स्पाइसी में पेरी पेरी है। मीडियम अगर स्पाइसी चाहिए तो जो आपका फेवरेट है वो खिला दो। आपके लिए मैं पेरी पेरी लगा देता हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी यहाँ पे पनीर शर्मा। देसी वाला कैबेज है, चाइनीज वाला कैबेज नहीं है। लेटेस्ट नहीं, मतलब लेटेस्ट वाला नहीं है, देसी कैबेज जो आता है ना वो है। बाकी दूसरी जगह पे लोग चाइनीज कैबेज यूज करते हैं। अच्छा, तो वो सस्ता आता है क्या? हाँ, वो सस्ता आता है, ये महंगा आता है। ऊपर से इसको तो वैसे बिना पनीर के भी बेचो तो भी काफी अच्छा टेस्ट करेगा। अच्छा है यार। अपने यहाँ की एक मेन खासियत ये भी है, क्या आइटम रहते हैं? ये क्रिस्पी फ्राई है सर। फ्राई? हाँ, ये जो अपना आलू का जो कतरी बोलते हैं ना, नॉर्मल अपना आलू, सॉरी, अपना समोसे वाला जो कतरी रहता है ना, हाँ, वैसा कतरी रहता है ये, क्रंची गिननेस के लिए। ये हो गया रेडी हमारा? हाँ, हो गया सर।
एक बार आपकी दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए। ये हो गया जी, यहाँ सा पनीर शोरमा बनके एकदम रेडी। ये एक बार आपकी दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरी शॉप का नाम है भंडारी पनीर शोरमा और एड्रेस है स्टार बाजार के पीछे भवानी फूड कॉर्नर। और टाइमिंग? टाइमिंग है शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो आप आ रहे जी कभी भी सूरत में और आपको खाना है जी पनीर शोरमा, तो आ जाना जी यहाँ पे, हमने भी ले लिया जी हमारे लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जल्दी से मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू भैया। ओके सर, वेलकम।